के सोनडीहा गांव के मुखिया पति का कहना है कि आयुक्त एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन देकर आवास प्लस में छूटे हुए रजिस्टर्ड ग्राम वासियों को जोड़ने का नाम आग्रह किया। 20/12/2020 को लिखित आवेदन दिया, फिर भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे सभी ग्रामीण जनता असंतुष्ट है। यही नहीं बल्कि बीपीएल कार्डधारी को बिजली कलेक्शन करने के लिए एसडीओ को लिखित रूप से आवेदन दिया, फिर भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसे सभी ग्रामीण जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं 29/12/2020 को उप विकास आयुक्त एवं उपायुक्त महोदय गढ़वा को, साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी सगमा को आवेदन देकर आवास प्लस में छूटे हुए रजिस्टर्ड लाभुकों का नाम जांच कर जुड़वाने का आग्रह किया गया है, जिसे श्रीमान से आग्रह है कि जांच कर उसको जुड़वाया जाए। उसमें बहुत गृहविहीन गरीब असहाय लोगों का नाम छूटा हुआ है और मैं आशा करूंगा श्रीमान से कि इन लोगों का नाम जुड़ जाए। साथ ही मैंने बिजली विभाग के एसडीओ साहब को भी आवेदन दे करके आग्रह किए हैं कि हमारे पंचायत क्षेत्र में छूटे हुए अधूरा विद्युतीकरण कार्य को पूर्ण कराया जाए, जिसमें कहीं पोल कुछ तार की आवश्यकता है उसको ला करके भिजवा करके और इसको पूरा कराया जाए।